नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष में बुध देव 21 फरवरी 2024 से कुंभ राशि में प्रभावी होने वाले हैं और कुंभ राशि में पहले से ही सूर्य का गोचर हो रहा है, तो सूर्य देव बुध के साथ युति बनाकर बुधादित्य नामक राजयोग बनाने वाले हैं और 7 मार्च 2024 तक सूर्य बुध कुंभ राशि में प्रभावी रहने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों की युति आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस परिवर्तन का सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों को किन किन मामलों में सोता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। देखिए, ज्योतिष में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को वाणी का कारक माना जाता है, बुद्धि का कारक माना जाता है, शिक्षा, बुद्धिमता, वाक चातुर्यता, शेयर मार्केट, व्यापार, छोटे भाई बहनों का भी कारक बुध को माना जाता है। वही सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य को आजीविका, मान सम्मान, आत्मसम्मान, सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र और सत्ता सुख, इन सब विषयों का कारक सूर्य को माना जाता है। बुध का शुभ प्रभाव जहां जीवन में उन्नति व्यापारिक क्षेत्रों में देता है, वहीं करियर में सफलता प्रदान करता है। वहीं सूर्यदेव जीवन के क्षेत्रों में मान सम्मान दिलवाने वाले ग्रह और आत्मबल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों की जो युति बन रही है 21 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024 तक, अब आइए हम आपको बताते हैं इसका आपके जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। कर्क राशि वाले जातकों, बुध देव आपके राशि के लिए आपके व्यय भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं और 21 फरवरी से दोनों ग्रहों का जो बुधादित्य योग बन रहा है वो आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होने वाला है। कुंडली के अष्टम भाव से आयु, दुख, आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक घटनाओं के बारे में, गूढ़ विद्याओं के बारे में विचार किया जाता है। इसका आपके जीवन में बेहतरीन प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अष्टम भाव पर दोनों ग्रहों की युति बनेगी। अप्रत्याशित स्रोतों से आपके जीवन में धन संपत्ति का लाभ होने वाला है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातक कई स्रोतों से धन कमाने की ओर प्रशस्त होंगे और कमाने वाले भी हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर यदि आपको किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, पारिवारिक संबंधों को लेकर आपको इस समयावधि में शुभता देखने के लिए मिलने वाली है। जहां कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, वहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाने में समर्थ रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपके वैवाहिक मामलों में, रिश्तों में पारदर्शिता और वैवाहिक उत्साह के बढ़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है। कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं और घूमने फिरने के लिए भी सक्षम हो सकते हैं। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों, अष्टम भाव पर दोनों ग्रहों की मौजूदगी है तो आपके भीतर से ऊर्जा उत्साह तो जरूर बनी रहेगी, लेकिन शारीरिक रूप से आपको अलर्ट होकर भी चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य का बुध के साथ अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में शनि के साथ गोचर करना आपको हड्डियों जनित समस्या दे सकता है और वर्तमान में यदि आप खान पान की आदत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको पेट जनित समस्याएं, त्वचा जनित समस्याएं भी प्रदान हो सकती है, यानी आपको मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना
काफी बेहतर रहने वाला है। बुधवार के दिन यदि आप गरीब व्यक्तियों में भरपेट भोजन खिलाते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।